हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? होप सब अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। यू नो अबाउट मी, आई एम योर साइंस एजुकेटर मलिका सेठी। यू आर वॉचिंग मी ऑन क्लास अपार चैनल। अनअकेडमी का ये चैनल है, आप सबको पता है। आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैं हूँ आपकी साइंस एजुकेटर। तो देखो, आज हम क्या करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आज हम लाइफ प्रोसेस का, जो भी हमने न्यूट्रिशन किया है, रेस्पिरेशन की है, उस पे आज मैं आपको रिवीजन कराने वाली हूँ। प्लस हम प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप मुझे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे देख रही हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। आपको सिर्फ सर्च करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप, आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे प्लस कोर्सेज हैं, स्पेशल कोर्सेज हैं। स्पेशल कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है, आप जैसे चाहें जितना चाहें उस पे पढ़ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में क्या रहेगा, आपको एक पर्सनल ट्यूटर मिल जाएगा, जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं उस टीचर से आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, मींस कुछ फीस पे करनी होगी। एंड आप मेरा अगर कोड यूज करते हैं MASE, तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। 10% ऑफ कैसे मिलेगा, कहां फायदा होगा आपका? देखो, ये प्लस सब्सक्रिप्शन है, आप 3 मंथ का ले सकते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 48 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन हैं। आपको क्या है, अगर आप देखो प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अगर मेरा कोड यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको 7500 रुपीज पे करने होंगे। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं MASE, तो आपको 7500 पे नहीं करने हैं, आपको ओनली 6750 रुपीज पे करने हैं। तो हुआ आपका फायदा, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को कोई फायदा नहीं है, आपको ही फायदा है। आपको एक तो अपना पर्सनल ट्यूटर मिलेगा, जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं आप उस टीचर से पढ़ेंगे। प्लस देखो, कोई भी ज्यादा इसके अंदर चार्जेस नहीं है, आप 3 मंथ का भी ले सकते हो, 48 मंथ का भी ले सकते हैं, और मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। एंड आपको और भी बहुत सारे फैसिलिटीज मिलने वाली है। लाइक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका कुछ ऐसा डाउट है, आप मेरे से एट ए टाइम नहीं पूछ सकते, या कुछ स्टूडेंट सबके सामने नहीं पूछ सकते हैं, तो इसमें आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी कि आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, फिजिक्स से, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, आप अपने डाउट को अपने टीचर से पूछ सकते हैं। मींस अच्छे से अच्छे, टॉप से टॉप एजुकेटर आपको उसका आंसर देंगे। आप कैसे पूछ सकते हैं, देखो क्या है, हमें अगर बताना है तो आपके पास स्टेप्स हैं 1 2 3 करके, सिंपली बताती हूँ आपको क्या करना है। जस्ट पिक्चर क्लिक करनी है, पिक्चर जो है वो ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए। देखो इस टाइप से आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, पिक्चर ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन ओनली वन होना चाहिए। लाइक अगर वन क्वेश्चन है, उसके 5 या 6 पार्ट्स हैं, तो 5 या 6 पार्ट नहीं, ओनली आप वन पार्ट की पिक क्लिक करेंगे, आप उसे अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद आपको उसका सब्जेक्ट मेंशन करना है कि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से, किससे रिलेटेड है। देन अपने डाउट को पूछो कि ये मेरा डाउट है इसके अंदर। आपको विद इन 24 आवर्स विद वीडियो आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन आपको मिलेगा कि आप इजीली वे में उसे समझ जाएंगे। तो ये भी आपका ही फायदा हुआ। और क्या फायदे हैं, देखो आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स के मामले में बच्चे बहुत हमसे नोट्स नहीं बनते, आपको बना बनाया मिलेगा सब कुछ, स्पून फीडिंग की तरह, बस आपको सिर्फ पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने। तो ये सब जो है फैसिलिटीज होंगी आपके पास। आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी, लाइव टेस्ट सीरीज होंगे, आपके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो ये सब आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स अनअकैडमी पे मिलेंगे, लर्नर ऐप पे। तो अगर आपके पास लर्नर ऐप नहीं है फोन में, तो पहले आप लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्पेशल कोर्सेज में टीचर्स को पढ़िए, जो टीचर आपको अच्छा लगता है वो आपको प्लस कोर्सेज में भी, आप उनका प्लस कोर्सेज ले सकते हैं, आपको वही टीचर पढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मेरा रेफरल कोड यूज कर रहे हैं तो मैं आप मेरे से पढ़ोगे, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप कोई मर्जी टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अनअकैडमी लर्नर ऐप का छोटा सा इंट्रोडक्शन। एंड जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पे न्यू है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। तो हम करने वाले हैं क्लास 10 का 6th चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन, लाइफ प्रोसेस चैप्टर के। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने इसके पहले न्यूट्रिशन कंप्लीट करवा दिया,
रेस्पिरेशन भी कंप्लीट करवा दिया। बट बच्चों आज हम करेंगे रिवीजन, ठीक है। रिवीजन सेशन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो समझ उन्हीं को आता है जिसने पहले किया होता है। तो अगर आप न्यू है तो पहले आप मेरी ओल्ड वीडियोस देखें, आपको फिर ये ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। फर्स्टली देखो हम करने वाले हैं रेस्पिरेशन पे रिवीजन, ठीक है। व्हाट इज रेस्पिरेशन, मैं अब आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी, पूरा डीपली नहीं बताऊंगी, इसलिए बता रही हूं कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो इजीली दे सकें। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मींस हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना, ठीक है। हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट मींस इनहेलेशन एक्सहेलेशन, मींस O2 हम इनहेल कर रहे हैं, CO2 हम एक्सहेल कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में क्या है, जो भी हमने फूड लिया, हमने जो खाना खाया, हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर में सबसे फर्स्ट टॉपिक में किया था न्यूट्रिशन, उसमें हमने ये किया कि जो भी हम फूड ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, वो सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी में हमारा फूड जो है कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो गए, हमारी बॉडी में डाइजेशन हो गई, आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वी कैन से दैट शुगर में, शुगर भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल दैट ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो सबसे सिंपलर सब्सटेंस है जो कि डाइजेशन के बाद हमारे स्टमक में बनता है। अब देखो ये ग्लूकोज तो बन गया, हमारे को एनर्जी कहां से मिलेगी, हमें हम क्या करते हैं, अगर हमने खाना नहीं खाया तो हमें को वो थकावट हो रही है, हमें हम जूस पी लेते हैं या हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। हम कहते हैं ना कि अगर कोई भी पेशेंट है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको ग्लूकोज दो या जूस दो या विटामिन सी दो, है ना, ऐसे बोलते हैं, विटामिन सी दो, नींबू पानी दो। अभी कोविड के टाइम पे हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि हमें विटामिन सी लेना चाहिए। तो शुगर हमने अगर लिया है, ग्लूकोज हमने अगर लिया है, तो हमें एनर्जी कैसे मिलती है, हमने कैसे खाना खाया और हम ऐसे दौड़ने चले गए, पेट्रोल थोड़ी ना पिया हमने, पिया तो हमने ग्लूकोज दिया है। बट वो एनर्जी कैसे देता है, वो एनर्जी ऐसे देता है कि अगर ग्लूकोज की रिएक्शन होती है C6H12O6 प्लस O2 तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है, प्लस में वाटर होता है, प्लस में एनर्जी होती है। एनर्जी किस फॉर्म के अंदर होती है, ATP की फॉर्म में होती है। मींस ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है हमारे सेल्स के अंदर, जिससे हमें ग्लूकोज क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। क्लियर है व्हाट इज रेस्पिरेशन, कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना, इन सिंपल हम यही बोल सकते हैं। पहले वाला सब समझाने का था, ये वो। तो आपको लर्न क्या करना है, रेस्पिरेशन टू टाइप की होती है, फर्स्ट वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, एयर, AER, एयर से रिलेटेड, मींस जो एयर की प्रेजेंस में होती है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक, एना मतलब नहीं, एना मतलब नहीं है, तो मींस क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। तो टू टाइप की रेस्पिरेशन, फर्स्ट वन इज एरोबिक एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं है। तो टू टाइप की रेस्पिरेशन हो गई, फर्स्ट आपको ये याद हो गया। अब देखो ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटता है, पाइरूवेट में ब्रेक डाउन होता है। किसी भी चीज को अगर आपने तोड़ना है, अगर सपोज मुझे इस पेन को ब्रेक करना है, तो मैं उसको डायरेक्ट एकदम से पाउडर नहीं बना सकती, पहले मुझे इसके टू पीस करने पड़ेंगे, टू पीस के बाद मुझे फिर एक पीस को अलग ब्रेक करना पड़ेगा, दूसरे को अलग ब्रेक करना पड़ेगा, वो इजी रहेगा। तो क्या करना होता है, सबसे पहले जो ग्लूकोज है उसकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है। अब ये चीज जब मैंने आपको लास्ट टाइम थ्योरी कराई थी ना, तो सिर्फ आपको थ्योरी लर्न करनी थी, अब आपको ये चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए माइंड में, कि जो प्रोसेस है ग्लूकोज की पाइरूवेट में ब्रेक डाउन होने की, उस प्रोसेस को क्या बोलती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स होता है कि देखो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस नेम से ही इंडिकेट है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, हम सिंपली ग्लाइकोलाइसिस फास्टली फास्टली बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ग्लाइकोलिसिस हुआ, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। आप सबको पता है व्हाट इज साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है पाइरुवेट में। ब्रेक डाउन बोले तो जो C6H12O6 है उसका हाफ हो गया, हाफ हाफ हो गए, मींस ये क्या बना देगा, C3H6O3 बना देगा, टू मॉलिक्यूल बना देगा हाफ हाफ इसके। जैसे ये कोई चीज हमारे पास क्या है इस टाइप की, अगर हम इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐसे दो हिस्से हो जाएंगे। वैसे ही C6H12O6 क्या हुआ, ब्रेक हो गया, पाइरुवेट बन गया। अब देखो ये पाइरुवेट, अगर हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो पाइरुवेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, अगर एनारोबिक होती है तो विदाउट ऑक्सीजन करता है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, बट एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एंड इसके प्रोडक्ट क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है, इसमें एनिमल्स में तो लैक्टिक एसिड बनता है, प्लांट्स के अंदर इथेनॉल प्लस में CO2 बनता है। तो ये सारा मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था, अब दोबारा भी आपको बता दिया है। अब आपका काम है कि आपको यहाँ पे कैसे लर्न करना है, बहुत इजी है वैसे। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में ATP 38 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं, एनारोबिक में लैक्टिक एसिड बनता है, प्लस में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। एनिमल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, प्लांट्स के अंदर इथेनॉल बनता है, बहुत सिंपल है। अब हमने ये तो किया इंट्रो, हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दीज आर लंग्स, ठीक है, लंग्स है। इसमें मैंने आपको बताया था एक प्लांट का एग्जांपल लेके बोला था कि एक जैसे एक प्लांट होता है उसकी एक ब्रांच होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगी, मैंने अपने प्लांट को खराब किया है आप लोगों के पीछे। ये देखो जैसे लंग्स की स्ट्रक्चर होती है ना, ये देखो मैं आपको बताऊं एक बार, ये नेजल कैविटी है, नोस्ट्रिल्स है, ठीक है, नोस्ट्रिल से ये विंड पाइप जा रही है, विंड पाइप के अंदर हमने ये किया कि ट्रैकियाज होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं। जैसे अब ये वाली सपोज मैं अगर ब्रांच की बात करूं तो ये कोलैप्स नहीं हो रही है, ये दबाने से भी दब नहीं रही क्योंकि ये हार्ड है। तो विंड पाइप भी क्या हो रही है, विंड पाइप के अंदर इस टाइप के छोटी छोटी बोनी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसको कोलैप्स नहीं होने देती, बंद नहीं होने देती, ठीक है। तो जब ये विंड पाइप यहाँ पे क्या हो रही है, फर्दर टू के अंदर डिवाइड हो रही है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्चिस। ये क्या है, ब्रॉन्चिस है, ये इसका नेम है कि ब्रॉन्चिस। अब आप ये देखो कि आपको ये थोड़ी सी लंग्स की टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, है ना। ये जैसे अगर हम यहां से पकड़ते हैं तो एक ब्रॉन्ची यहां गई, एक ब्रॉन्ची यहां गई, है ना, ये टू आपको दिखाई दे रही है। मैं आपको एक नेक्स्ट इसमें दिखाती हूँ, ये देखो इस टाइप से देखे, तो ये हमारे पास इस टाइप से एक लंग की तरफ गया, एक लंग की तरफ ये गया। उसके बाद देखो आपके पास अलग से फिर ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस के ऊपर इस टाइप से स्ट्रक्चर है, फिर इसके बाद सब ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस के ऊपर क्या है, छोटे छोटे एयर सैक प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एलोवेली, है ना। ये स्ट्रक्चर आपने बुक में भी देखी होगी अपनी और आपको यहाँ भी शो हो रही है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताई है, इस टाइप की स्ट्रक्चर है। मेरा आपको जस्ट एक पॉइंट समझाने का ये कि लंग्स भी इसी टाइप से होते हैं, उसमें क्या है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब जैसे इसके ऊपर लीव है, देखो एक तो ये हो गई, अब इसको ध्यान से देखो, एक तो ब्रोंची ये होगी, फिर उसके बाद ये क्या होगी, ब्रोंची ओल हो गई, ब्रोंची ओल है, फिर उसके पास ये क्या है, लीफ है। लीफ वैसे ही हमारे लंग है, पहले ब्रोंची है, क्या है हमारे पास, ब्रोंची पेन का गया मेरा, ब्रोंची है। देखो यहाँ पे आप अगर नेम देखो तो आपको ये दिख रहा है कि ये क्या है, हमारे पास ब्रोंचीज है। फिर उसके बाद जो ये ब्रोंचीज के पार्ट है, ये वाले जो जो हमारे पास सब ब्रांचेस है, दीज आर कॉल्ड ब्रोंचियोल्स, ये हमारे पास क्या है, ब्रोंची है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप उसकी सब ब्रांचेस की बात कर रही हैं, ये जो सब ब्रांचेस हैं वो क्या है, ब्रोंचियोल्स हैं, ठीक है। ब्रोंचियोल्स पे छोटे छोटे एयर पैकेट्स प्रेजेंट हैं, एयर पैकेट छोटे छोटे बिल्कुल बैलून लाइक, ये देखो मैंने आपके लिए बैलून भी ला के रखा है क्योंकि मुझे आपको ना ये वाला चैप्टर इतने अच्छे से कराने के आप भूलो नहीं। तो बैलून्स इस टाइप के छोटे छोटे देखो, जैसे अगर अब इसमें CO2, अब इसमें O2 नहीं है, है ना, तो ये इस टाइप से रहेंगे। जैसे हम सांस लेते हैं, जो ये एलोवेली है, एयर सैक है,
तो क्या हुआ, इसके अंदर एयर फिल हो गई बैलून के अंदर। बैलून लाइक क्या है, एयर सैक्स प्रेजेंट है। ताकि हम ये लीव्स को भी देख सकते हैं, देखो ये हमारे पास ब्रांच है, फिर उसके बाद ये ब्रोंचियोल है, मैं इसको एक अलग करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास हो गया एक, ये सोचो कि ये ब्रोंचियोल है, और जो ये है ना लीफ, ये क्या है हमारे पास, एलोवेलिया, एयर सैक है। आपके माइंड में रखने के लिए मैंने जस्ट ये लिया कि हमारी बॉडी के अंदर भी इस टाइप से ही होती है जैसे कि प्लांट की ब्रांच होती है, और बैलून लाइक हमारे पास क्या है, एयर सैक है। ऐसे रहती है, जैसे ही उसके अंदर हमने क्या किया, ब्रीथ इन किया, तो इसके अंदर हवा भर जाती है, तो हमारे पास क्या है, ये क्या हुआ, जो एलोवेली है एयर सैक है, इसमें ऑक्सीजन फिल हो गई। अब इसके पास क्या है, एलोवेली के आउटर में सारी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स हैं सारी एलोवेली के अराउंड, लंग्स के अराउंड सारी ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड के अंदर ऐसा क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन क्या काम करते हैं, जैसे ये मैग्नेट और आयरन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वैसे ही बैलून के अंदर या एयर सैक के अंदर जब हवा भरती है, तो हमारे जो ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है और हमारे एयर सैक के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इमीडिएटली हमारे ब्लड में चली जाती है। जैसे हमारे ब्लड में जाएगी, हमारी रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताओगी, यस मैम समझ आ गया। ठीक है, मैंने अपने प्लांट को भी वेस्ट किया थोड़ा सा, सोचा कि चलो अच्छे से समझ आ जाए आपको। तो अगर आपको नहीं भी आया ना इसको थोड़ा सा करने के बाद कि ब्रोंची ब्रोंचियल्स क्या है, तो आप खुद अपने घर पे एक छोटा सा लेके देखना प्लांट, आपका श्योर समझ आ जाएगा कि हमारे लंग्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है। अब देखो एक चीज और, डायाफॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दिस इज डायाफॉर्म, ये हमारे डायाफॉर्म की स्ट्रक्चर है। अब डायाफॉर्म पे क्या इफेक्ट होता है, आप खुद भी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करके देख सकते हैं। अगर हम ब्रीथ इन करते हैं, आपके यहाँ पे ना हाथ लगाओ, आपको डायाफॉर्म एक मतलब केस टाइप, रिब्स टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, बोनी लाइक जो स्ट्रक्चर होगी, तो वो क्या एकदम से अंदर चली जाती है ना, जब हम सांस लेते हैं। तो किसी छोटे बच्चे को या किसी पतले बंदे को आप करवा के देखो, मेरा छोटा सा बेबी है, वो जब जोर से सांस लेते तो उसको साफ दिखाई देता है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी उसकी फोटो क्लिक करके। तो उसका डायाफॉर्म क्या होता है, जब कोई ब्रीथ इन करते हैं तो डायाफॉर्म अंदर चला जाता है। जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। ऑब्वियसली लाइक ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, अगर हम इसमें हवा भर रहे हैं, हमने ब्रीथ इन किया तो वो एक्सपेंड होगी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाएगी, और डायाफॉर्म कहां चला जाएगा, इनसाइड चला जाएगा, डायाफॉर्म इन हो जाएगा। जब क्या करते हैं हम, हवा बाहर निकालते हैं, CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, CO2 एक्सहेल कर रहे हैं तो जो डायाफॉर्म है वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायाफॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हमारा था रेस्पिरेशन की कैसे कैसे होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की, प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। प्लांट्स जो है वो गैसेस का एक्सचेंज कैसे करती हैं, प्लांट्स में लीव्स भी करती हैं, रूट्स भी करती हैं, स्टेम्स भी करती हैं। तो जो प्लांट्स की स्टेम्स है वो कैसे करते हैं, लेंटिसेल्स के थ्रू करती हैं। रूट्स किसके थ्रू करते हैं, रूट्स हेयर के थ्रू करते हैं। इसको मैं डीपली नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार करा चुके हैं। और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। व्हाट इज स्टोमेटा, लीव्स के अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको लीव्स के सरफेस पे टीनी पोर्स शो होती हैं, स्मॉल एंड टीनी पोर्स होती हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। उस स्टोमेटा की वजह से लीव्स के अंदर क्या होती है, गैसेस की एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एंड जो ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर किस लिए है, क्लोरोफिल की वजह से है। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको बहुत बार बता चुकी हूं मैं, अभी इसलिए बता रही हूं कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं कि आपके पास आए तो ए नहीं ए होगा, नहीं बी होगा, ऐसे तुक्का नहीं मारना है, हमें आंसर बताना है। जस्ट मेरा तो यही है, मेरा तो यही फंडा है कि अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप ए बी सी डी ऑप्शन नहीं देखो, आप क्वेश्चन को रीड करो, आपको पता हो कि इसका आंसर यही है, आप आंसर ढूंढो कि ए ऑप्शन है, बी है या सी है। अगर जो बच्चा ऐसे करता है, इसका मतलब उसको जो चैप्टर है वो टिप्स पे है। जो स्टूडेंट्स देखते हैं ना कि नहीं ए ऑप्शन होगा, नहीं नहीं यार बी होगा, वो सिर्फ तुक्का होता है, उसमें हमारे को कुछ नहीं आता है। तो मेरा ये कराने का दोबारा सिर्फ यही मोटिव है कि जो भी आप अगर एमसीक्यू क्वेश्चन करते हो तो उसका आप आंसर ढूंढो,
ना कि आप उसमें ऑप्शन ढूंढो. ओके, अब देखो ये क्या था, स्टोमेटा मैंने आपको दिखा दिया, ग्रीन जो कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है. अब हमारे आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि स्टार्ट हो रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, कौन से एनर्जी फूड्स होती हैं, किससे हमें एनर्जी मिलती है जो कि हमारी बॉडी के लिए नीडफुल है. वैसे तो सब नीडफुल है, लाइक अगर हम डी ऑप्शन देखें तो वॉटर भी हमारे लिए नीडफुल है, बट जिससे हमारे को एनर्जी मिलती है, अभी हमने किया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी में किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जो हमारा ये ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा. आप एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ो, ऐसे नहीं करो कि ए ही राइट है. ए ऑप्शन करें, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, सॉल्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर, एंड हमारे पास वाटर भी हो सकता है. और बट देखो हमने क्या, अगर हम बात करते हैं वाटर की तो वाटर के बिना भी हमारा नहीं चलता, बात करते हैं मिनरल्स की तो हमारा मिनरल्स के बिना भी नहीं चलता. बट जो हमें एनर्जी मिल रही है, अभी हमने जस्ट रेस्पिरेशन किया, तो रेस्पिरेशन में हमारे को एनर्जी कहां से मिल रही है, सिर्फ ग्लूकोज से ही एनर्जी मिल रही है. ग्लूकोज कहां से आएगा, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिली तो हमारे पास ग्लूकोज कहां से आएगा, ग्लूकोज हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है, ना तो वो हमें वाटर से मिलेगा, ना मार्गोरोगे से मिलेगा, ना वाटर मिनरल से मिलेगा, ना प्रोटीन से मिलेगा, वो सिर्फ हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से. तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर. ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट. अब मैंने इसमें कुछ एक रेस्पिरेशन में न्यूट्रिशन के भी क्वेश्चन डाले कि अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो आप न्यूट्रिशन भूले नहीं. तो मुझे बताओ अभी ऐसा कौन सा हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया था जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड ले रहा था बिना उसको मारे. मैंने आपको इसका बताया एग्जाम्पल, मच्छर, मॉस्क्यूटो. मॉस्क्यूटो आता है मेरे हाथ पे बैठा, मेरे को क्या क्या किया, किल थोड़ी ना करेगा, मुझे मार थोड़ी ना देगा, थोड़ा सा डंक मारेगा, हल्का सा मुझे मेरा खून निकाल लेगा, उसका तो पेट भर जाएगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगी मुझे. तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते थे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो अब आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पॉइंट फाइंड करना है कि कहाँ है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो बी हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ये पार्ट है जो हमने किया था पहले. The mode of nutrition found in fungi is fungus के अंदर. Fungus हमें पता है कि dead material. मैंने आपको fungi का example भी दिया था कि अगर हम अपना टिफिन रख देते हैं, टिफिन में रोटी रख देते हैं दो या तीन दिन की, तो जब आप उसको ओपन करके देखोगे तो आपके उसको व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ सब्सटेंस मिलेगा, उसे हम फंगस बोलते हैं. तो फंगस मीन्स वो डेड मटीरियल से अपना फूड ले रहा है. तो डेड मटीरियल से जो अपना फूड लेते हैं तो उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक. तो इसमें देखो कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहां पे है. अब ये देखो एक चीज और बता दूं, अभी आपसे सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जगह पूछा जाए कि ऑर्गेनिज्म बताओ, ठीक है, और यहां पे सेप्रोट्रॉपिक की जगह सेप्रोट्रॉपिक भी है प्लस में सेप्रोफाइट्स है. तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेप्रोफाइट होगा, कि जो ऑर्गेनिज्म डेट से अपना फूड लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं. तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं. ठीक है, रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस. ओस्मोसिस के थ्रू ही वो क्या करते हैं, नीचे रूट से उनका पानी कहां पे जाता है, उनके ईच एंड एवरी पार्ट तक जाता है. तो प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस है. ऑस्मोसिस क्या होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपको एक ये याद रखना है कि कौन सी प्रोसेस है. तो प्रोसेस का जो नेम है वो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा. आप 11 12th में जाके पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज ऑस्मोसिस. द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ द लीफ इज, बताओ फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रही है सेल्स के अंदर. अब ये देखो, अब इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये हमने क्लियरली कहीं पे भी नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया है ये. तो हम देखते हैं, ये पता है हमें. देखो अब अगर आपको मैंने नहीं पढ़ाया या आपने नहीं पढ़ा किसी टीचर, तो आप अपना दिमाग लगाओ कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कहां पे, लीव्स के अंदर होती है.
ठीक है, हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे होती है, लीव्स के अंदर होती है, लीव्स के अंदर होती है। तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा जिसका आपको नहीं पता तो उसका तुक्का नहीं मारना है, उसको अपने रिवीजन के साथ कि हमने चैप्टर में क्या रीड किया। प्रोटोप्लास्ट नहीं हो सकता, साइटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं हो सकता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता, क्योंकि हमने प्लांट में तीनों की कहीं पे भी कोई बात नहीं की, ना ही इनका कोई पॉसिबल है आना। क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट जहां पर क्लोरोफिल के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो मींस ये जो प्रोसेस होगी वो कहां होगी? क्लोरोप्लास्ट में होगी, क्योंकि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट कहां पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, जहां पे क्लोरोप्लास्ट होगा, जहां पे क्लोरोफिल होगा, प्रोसेस वहीं पे हो रही है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए इज अवर करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अमीबा, अमीबा की अब आ गई, अमीबा की बात करें तो हमने क्या किया था? अमीबा की स्ट्रक्चर की थी। अमीबा के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखिए कि हमने क्या किए थे, फाइव पॉइंट्स। क्वेश्चन में बाद में पढ़ूंगी, सबसे पहले मैं आपको अमीबा का एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। हमने क्या किया था? इंसर्शन, सबसे पहला होता है इंसर्शन, सेकंड होता है डाइजेशन, थर्ड कौन सा होता है? एब्सॉर्प्शन, फोर्थ होता है असेमिलेशन, फिफ्थ होता है इंसर्शन। मैं थोड़ी सी ना लिखने के मामले में आलसी हूं, तो आप खुद समझ लाना कि इंसर्शन है, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन है, असेमिलेशन। हमने क्या किया था कि अमीबा का क्या इंसर्शन होता है, इसका क्या होता है? माउथ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं, है ना। और जो इसका फूड है वो कहां पे जाता है? फूड वैक्यूल के अंदर जाता है। कहां पे जाता है ये? फूड वैक्यूल के अंदर जाता है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अब ये चीज मैंने आपको राइट करके बताई है ना, ये सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मैं आपको समझा रही हूं, आपको ये चीज लिखनी नहीं है, ये आपके ब्रेन में होनी चाहिए। सिर्फ आप आइस क्लोज करो, अमीबा हाँ उसका फूड वैक्यूल होता है, उसका सूडोपोडिया होता है, उसका फूड जो है वो सूडोपोडिया से उसके फूड वैक्यूल में जाता है। तो ये आपको ऐसे टिप्स पे लर्न होना चाहिए। तो ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए ये चीज राइट की है। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन दी, कहाँ पे डाइजेस्ट होता है फूड, कहाँ जाता है? अभी ये हमने जो सारा लर्न किया है, अपने दिमाग को दोबारा से याद करवाया है सारा, तो हमें पता चला कि कहाँ पे होता है? फूड वैक्यूल के अंदर होता है। कंफ्यूज नहीं होना सूडोपोडिया और फूड वैक्यूल में। फूड का जो डाइजेशन होता है वो फूड वैक्यूल में होता है। जब मैंने अमीबा कराया था तो मैंने ये बोला था कि ये इसका एक ये मान लो कि जो अमीबा का स्टमक होता है उसे हम फूड वैक्यूल बोलते हैं, और जो सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया उसका माउथ होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। What are the product obtained by anaerobic respiration in plants? अभी मैंने आपको करवाया, जस्ट फर्स्ट स्लाइड में हमने यही किया था। प्लांट्स के अंदर क्या बनता है, एनिमल्स के अंदर क्या बनता है। तो प्लांट के अंदर हमने क्या किया था? इथेनॉल बनती है प्लस CO2 बनता है। तो देख लो कहाँ पे होगा ये रहा हमारा ऑप्शन जो है वो सी। मुझे तो बेटा इस टाइप के ही स्टूडेंट पसंद है जो क्वेश्चन के बाद ऑप्शन में आंसर ढूंढने। आपको भी वैसे बनना है क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट में याद रखना है कि प्लांट्स में क्या बन रहा है, एनिमल्स में क्या। अगर इसकी जगह एनिमल होता ऑप्शन में क्या ढूंढते? जल्दी बताओ, जल्दी क्या ढूंढते? लैक्टिक एसिड ढूंढते, क्योंकि अभी हमने किया कि एनिमल्स क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। अभी देखो घुमा के क्वेश्चन दे दिया कि पाइरूवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बन रहा है, वाटर बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, बट ये प्रोसेस हो कहां पे रही है? तो बताओ कहां पे हो रही है। अब भी मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होती है। तो ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, देखो दिखा देती हूँ कि ये हमने फर्स्ट स्लाइड में यही किया था, तभी मैंने आपको ये चीज करवाई है सारी कि ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ये साइटोप्लाज्म में हो रही है, प्लांट का ये प्रोडक्ट बनता है, एनिमल का ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये सब चीजें जो है आपकी एमसीक्यू क्वेश्चंस में काम आती हैं। ठीक है, तो हमारा जो होगा इसका ऑप्शन होगा सी, एंड सॉरी इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ स्लाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द स्लाइवा। स्लाइवा के अंदर अगर स्लाइवरी अमाइलेज कम है, लैक है, कमी है,
किस चीज को इफेक्ट पड़ेगा। तो अब आपको ऑप्शन नहीं ढूंढना है, आपको क्या करना है, याद रखना है, रिमाइंड करना है कि स्लाइवा के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। स्लाइवरी अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। और कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च जो है वो किसमें ब्रेक डाउन होता है, शुगर में ब्रेक डाउन होता है। बट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्ट, किस चीज को इफेक्ट करेगा अगर हमारा स्लाइवरी अमाइलेज कम होगा। तो हमारा प्रोटीन पे तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं, हमने प्रोटीन को देखते ही क्रॉस कर दिया। विटामिन पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता, क्रॉस कर दिया। फैट्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता। अब ये ऑप्शन देखो, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, स्टार्च किसमें, शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, अगर लैकिंग होती है। अदरवाइज हमारे जो स्लाइवरी अमाइलेज अगर कंप्लीट होता है, पूरा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होता है। तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, स्टार्च पे इफेक्ट पड़ेगा, ना तो विटामिन पे इफेक्ट पड़ेगा, ना प्रोटीन्स पे, ना फैट्स पे, मिनरल्स पे, किसी चीज पे भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड कहां पे एब्जॉर्ब होता है, सबसे इजी क्वेश्चन है। हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एक स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी जो जगह है जहां पे पूरा का पूरा फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आंसर ढूंढो बी ऑप्शन कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे हमारा जितना भी फूड है सारा कॉम्प्लेक्स फूड पाउडर फॉर्म में हो जाता है और वाटर के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगा इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। ये हमने किया था न्यूट्रिशन में कि फूड पाइप जो होती है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, मैंने ऐसे किया खाना हमारा नीचे चला जाता है, किस लिए जाता है, फूड पाइप बंद हो रही है खुल रही है, बंद हो रही है खुल रही है। दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टेटिकल मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारा फूड माउथ से स्टमक में जाता है। माउथ से जब कॉन्ट्रेक्शन होती है तो वो बंद होता है, एक्सपेंशन होती है तो फूड हमारे स्टमक में चला जाता है। तो पेरिस्टेटिकल मूवमेंट ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन द विच पार्ट ऑफ द सेल। अभी किया वो एक स्लाइड के अंदर आपके पास पांच क्वेश्चन आ गए। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहां पर होती है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती क्या है, ग्लूकोज जब पाइरूवेट में ब्रेक डाउन हो रहा है कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ढूंढ लो आंसर कहां पे है, ए आंसर है हमारा। हमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया से लेना देना नहीं, हमें कोई न्यूक्लियस से लेना देना, हमने सिर्फ अपना आंसर ढूंढना है, साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विग्रसली फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स। आपने डांस कर लिया, कल गणेश चतुर्थी थी, हमने खूब डांस किया, बहुत डांस किया, पर आज कल डांस कर करके आज इतनी लेग्स में पेन है, बहुत ज्यादा। क्यों पेन है, रीजन क्या है, क्योंकि मुझे जो एनर्जी चाहिए थी मैंने उससे ज्यादा एनर्जी लगाई, मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं थी बट मैंने ज्यादा एनर्जी लगाई। ज्यादा एनर्जी लगाई तो क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन तो हमारी बॉडी में होती होती है, प्लस में कौन सी रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए थी ज्यादा। तो कौन सा सब्सटेंस बनेगा, अब ये आपके पास फर्स्ट स्लाइड आ जाओ वापिस से, एनिमल्स के अंदर, क्योंकि वी ऑल्सो एनिमल, बिग एनिमल, ह्यूमन बींग्स इज ए बिग एनिमल। तो एनिमल के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उससे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो क्या बना मेरे लेग्स के अंदर, लैक्टिक एसिड, क्रैम्प्स हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन गया। तो क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी बनी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई है, जिसकी वजह से मुझे पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहा है। और इस पेन को कैसे रिलीफ कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके। गर्म पानी में पैर रखेंगे तो वो वापिस से क्या हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा और पेन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोर्स इन ए लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। लीफ ले लो, लीफ का तो पता ही है हमें, स्टोमेटा है। आंसर ढूंढ लो क्या है, डी स्टोमेटा। ब्रांच मैंने आपको बार का भी बता दिया, स्टेम का भी बता दिया, उसमें आ जाता ऑप्शन तो हम लेंटिसेल्स लिखते, अब ना लेंटिसेल्स है, ना वैक्यूल्स है, ना जाइलम है, स्टोमेटा जो हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग, बताओ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन से हैं। मैंने क्या बताया था अभी कि जब हमारे
बॉडी में ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन को लेता है, तो रेस्पिरेटरी लाइक अभी हमने बोला कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए पिगमेंट कौन से हैं, कौन से हैं, हीमोग्लोबिन है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन सी, क्लोरोफिल तो हो ही नहीं सकता ना, ना ही कैरेटिन हो सकता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन है। और हो सकता है नहीं, मतलब मैं तुक्का नहीं मार रही ना, आपको सिखा रही हूँ, कंफर्म है कि हीमोग्लोबिन होता है। आंसर देखो, हीमोग्लोबिन ही है, ये सब हमारी बॉडी में अलग काम करते हैं, ये तो हमारी बॉडी में होता ही नहीं और ये भी नहीं होता हमारी बॉडी में। कैरोटीन का काम अलग होता है, नेल्स हेयर्स का काम होता है, प्रोटीन है, नेल्स बढ़ाता है, हेयर्स बढ़ाता है। तो ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको रिवीजन भी करवा दी, प्लस में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवा दिए। थैंक यू मुझे देखने के लिए और समझने के लिए आपको। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर हमें मोटिवेट करते हैं। जो अगर ये 50% एनर्जी से पढ़ाते हैं, तो अगर आपके लाइक आ जाते हैं या कोई कमेंट आ जाता है, तो वो 50% एनर्जी जो है ना वो 100% में हो जाती है एकदम से। तो यही फर्क है, आपके लाइक्स और कमेंट से हमें मोटिवेशनल मिलता है, और शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड्स को भी कुछ सीखने को मिलेगा, सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जब भी कोई नई वीडियो डालेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, टेक केयर।